अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जिला पंचायत ये बंगले पे जिला पंचायत अध्यक्ष का बंगला। हाँ आ जाओ भारत भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी भैया जो जो जिला पंचायत अध्यक्ष को बंगला मिला है यहाँ पर आप आए हैं और अब इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी संकल्प लिया था कि जब तक कांग्रेस मुक्त ना हो जाए जब तक मैं बंगले में प्रवेश नहीं करूंगी। आज वो जिले से बाहर हो गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से बाहर हो गए हैं। आज मुझे बंगला मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने प्रवेश किया। क्या आगे क्या उचित कदम रहेगा आपका? बंगला ही मिला है और मध्य प्रदेश में सरकार भी बन गई और देवास जिले में सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का, आगे क्या कहना चाहेंगे? अब हम जनता की सेवा करेंगे और जो हमको काम नहीं करने दिया वो सब काम करेंगे। जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरेंगे हम। मतलब आपका ये जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं हुई थी जब तक आप इस बंगले में नहीं आए? जी ठीक है। अंततः जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को बंगले की चाबी सौंप दी गई। ये बंगले की पॉलिटिक्स से भी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी बहन लीला बेरोलाल अटारिया जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई थी और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें प्रताड़ित किया था, जिस प्रकार से पूर्व विधायक सज्जन वर्मा जी ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और जिस प्रकार का शोषण करीब 50 लाख रुपए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के एवज में उन्होंने खाए थे, उन सब परिणामों से दुखी होकर जब वो भारतीय जनता पार्टी में आई तो मैंने बहन को ये विश्वास दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो आपका अधिकार है वो संपूर्ण अधिकार भारतीय जनता पार्टी आपको दिलाएगी। और आज हमने यूं तो 10वें महीने में हमारे को अलाटमेंट लेटर प्राप्त हो गया था, लेकिन बेरूलाल जी अटारिया और दीदी ने दोनों ने तय किया था कि जब तक सज्जन वर्मा को घर नहीं पहुँचाएंगे हम बंगले में प्रवेश नहीं करेंगे। और सज्जन वर्मा को जैसे ही इंदौर पहुंचाया वैसे ही आज वो बंगले में प्रवेश करने के लिए मुझसे चाबी प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया मतलब बंगले की पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है कुल मिला के बात ये करे तो? जी बंगले की पॉलिटिक्स नहीं थी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। बंगला तो अलाट हो गया था उनको, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, लीलाबाई भेरूलाल अटारिया जी को, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था वो महत्वपूर्ण था कि जब तक हम लोगों को प्रताड़ित किया जिन लोगों ने उनको घर नहीं पहुंचा देंगे हम नए घर में प्रवेश नहीं करेंगे। उनको घर पहुंचा दिया और आज वो नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई।